टू एवरीवन, वेलकम टू किचन बोर्ड। तुहानू सारयां नू लोहड़ी दी लख लख वधाइयां होण। मकर संक्रांति आ गई है ते क्यों ना असीं कुछ मिठा बनाइए। ते देखते बनाण लगे हैं तिल बुग्गा। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने तिल लिए हैं, ये मैंने वाइट तिल लिए हैं, ये है 240 ग्राम। ये मैंने एक कप लिया है तिल, और ये साथ में 1 टीस्पून मैंने लिया है इलायची पाउडर, साथ में ये ली है किशमिश, मैंने ये थोड़ा सा बीच में डालूंगी, इसको मैंने पानी में डिप कर दिया है। ये ली है डेकोरेशन के लिए पिस्ता, अब आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। और ये मैंने ली है शक्कर, ये शक्कर है 300 ग्राम। मैंने 240 ग्राम लिया है तिल, और इससे ज़्यादा मैंने ली है शक्कर, क्योंकि मीठा थोड़ा सा होगा, आप शक्कर की जगह चीनी भी ले सकते हैं पीसी हुई। और ये मैंने लिया है मावा बनाने के लिए, मैंने लिया है दूध, ये मैंने लिया है मिल्क पाउडर, ये भी मैंने 240 ग्राम लिया है, ये भी मैंने उतना ही लिया है। और ये बटर लिया है 1/4 कप लिया है बटर, आप इसकी जगह देसी घी भी ले सकते हैं। तो चलिए पहले हम तिल को रोस्ट करेंगे। मैं ये तिल डाल दूंगी, मैंने इसकी मीडियम फ्लेम रखी है, ज़्यादा हाई नहीं रखा, नहीं तो ये जल जाएंगे। अब हम इसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, तो इसको चटकने की आवाज़ आएगी, थोड़ा सा फूल जाता है ये, तो हमने ज़्यादा इसको रोस्ट नहीं करना, अगर ज़्यादा हम इसको कर देंगे तो फिर ये कड़वे हो जाएंगे। तो इसको, इसमें जिंक होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, इसकी तासीर होती है गर्म, ऐसे चटकने की आवाज़ आ रही है ये तिल को, तो हम इसको ऐसे साथ साथ ही हिलाते हैं। ये हो चुके हैं, अब हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। तो अब हम इसको ठंडा होने देंगे, मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है, अब हम इसको ठंडा होने देंगे, फिर उसके बाद हम पीस लेंगे। अगर हम गरम गरम पीसेंगे तो इस ये ऑयल छोड़ देता है, क्योंकि इसमें ऑयल होता है, तो हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, फिर उसके बाद हम इसको पीसेंगे। चलिए तब तक हम मावा बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई रख दी है, अब हम इसमें बटर डाल देंगे, मैंने अनसाल्टेड बटर लिया है, मैंने साथ में ही डाल देंगे इसमें दूध, मैंने फ्लेम को हाई ही रखा हुआ है, डाल देंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका, हमें मार्केट से भी मावा लाने की जरूरत नहीं है, हम इसको घर पे ही बना लेंगे। इसको ऐसे ही लाते जाएंगे हम, तब तक इसको ऐसे ही करेंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाएगा, ये ठीक का हो जाएगा। ये मैंने अब इसकी फ्लेम को मीडियम कर दिया है, क्योंकि जब इसके बॉयल आने लग जाए तब आप इसकी फ्लेम को मीडियम कर दें, नहीं तो ये सारा दूध इसका बाहर आ जाएगा। तो अब मीडियम फ्लेम पे हम इसको ऐसे हिलाते जाएंगे जब तक ये थिक नहीं हो जाएगा, गाढ़ा होने तक हम इसको हिलाएं। मावा मार्केट में मिलता है वैसे, उससे थोड़ा सा हम पतला रखेंगे। ये देखिए, ये ठंडा हो गया है तिल, अब हम इसको पीस लेंगे। ये थोड़े से तिल मैंने निकाल लिए हैं, ये हम ऐसे बीच में डालेंगे, तो अब हम इसको पीस लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने पीस लिया है, ग्राइंड हो गया है, अब हम मावा देख लेते हैं, ये ग्राइंड हो चुका है, ये देखें, ये हमारा थिक हो गया है। बस हमें ऐसे ही चाहिए, मैंने फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ, तो इसको ऐसे फ्लेम ऑफ में ही थोड़ा सा हम घुमा लेंगे ऐसे, ये थिक हो गया है हमारा, क्योंकि अभी हमने इसमें डालना है शक्कर वगैरह सारा, तो अब इसको थोड़ा सा थिक होने देंगे हम, इसको फ्लेम ऑफ में ही इसको हम घुमाएंगे। ये अब हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे, ये हमने इलायची पाउडर डाल दिया है, अब हम इसमें साथ में ही डाल देंगे शक्कर। ये अब हमने शक्कर डाल दी, अब साथ में ही हम डाल देंगे इसमें तिल, अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमने फ्लेम को ऑन कर दिया है, इसको लो फ्लेम पे हम थोड़ा सा इसको करेंगे बीच में। देखिए इससे कलर, ये शक्कर डाला है तब इसका ऐसे कलर आया है, आप इसकी अगर चीनी डालेंगे तब इसका कलर ऐसा नहीं आएगा। ये देखिए, ये इकट्ठा होना शुरू हो गया है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा इकट्ठा हो गया, जैसे हमारा प्रसाद में होता है वैसे ही हो गया। अब हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे, ये हो गया है हमारा रेडी। अब हम इसके जो तिल बचे हुए थे अब वो हम इसमें डाल देंगे, अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको मिक्स करने के बाद हम इसको ठंडा होने देंगे, जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको इसके पेड़े बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ठंडा हो गया है, अब हम इसके लड्डू बना लेते हैं। इतने अच्छे ये हमारे लड्डू रेडी हो चुका है, अब हम इसमें एक एक ये पिस्ता लगा देंगे, ये देखिए,
कितना टेस्टी एंड कितना देखने में कितना अच्छा ये लड्डू लग रहा है हमारा। अब हम ऐसे बाकी के लड्डू भी बना लेंगे। इसको हमने ऐसे ऐसे गोल गोल कर लेना है। ये देखिए कितना अच्छा बन गया है। इस साथ में हमने लगा दिया पिस्ता। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे तिल बुग्गा रेडी हो चुके हैं। देखिए कितने अच्छे बने हैं ये तिल बुग्गा हमारे। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ ये। अच्छा, ये कितना सॉफ्ट बना है ये। इसके आसपास रोस्टेड तिल भी डाल सकते हैं, लगा सकते हैं। जैसे ये तिल लिए मैंने, ये इसके हम ये चारों तरफ इसको ऐसे ऐसे कर देंगे। ये देखिए, ये थोड़ा सा ऐसी स्टाइल बन जाएगा। ये मैंने आधे पे लगा दिया है और आधे पे नहीं लगाया तिल। बहुत यम्मी है ये, हमने स्पेशल लोहड़ी के लिए बनाए हैं। आपको ये रेसिपी मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।